हेलो गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग हियर ऑन माय चैनल। यू आर वाचिंग द इंग्लिश स्पोकन हब। माय नेम इज सत्येंद्र रावत। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको एडवांस स्ट्रक्चर से लेके ग्रामर के रूल और स्पोकन स्ट्रक्चर्स भी सिखाता रहता हूँ, ठीक है। तो आज मैं आपके बीच एक ट्रांसलेशन का सेशन लेके आया हूँ, जैसे कि आप इन बच्चों को देख सकते हैं। कैमरामैन दिखा दीजिए यहाँ पे। ओके, ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, 10 to 12 स्टूडेंट्स हैं, और इनके साथ मैं एक प्रैक्टिस सेशन लेके आया हूँ, जिसमें मैं इनसे जो मैंने इनको कल सेंटेंसेस और टेंसेस पढ़ाए थे, वो मैं इनसे आज इस क्लास में पूछने वाला हूँ। सो इन्हीं से पूछ लेते हैं। सो गाइस, आर यू रेडी? यस सर। ओके, दे आर कम्प्लीटली रेडी। ओके, सो हियर आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम दिस गाय। Okay, what's your name? My name is Asad. Asad. Okay, in which class do you study? I study in 7th class. Okay, in 7th class. Okay, so what did I teach you last time? You taught me last time in modals, should have. Should have. Okay, I will ask you some sentences which you have to translate, okay? Tumhe wahan khelna chahiye tha? You should have played there. You should have played. You should have played there. Tumhe yeh nahi bolna chahiye tha. You should have not told it. तुम्हें यहाँ खेलना चाहिए था। You should have played here. तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। You should have not gone there. तुम्हें ये पढ़ लेना चाहिए था। You should have studied this. तुम्हें इसके साथ नहीं रहना चाहिए था। You shouldn't have lived with him. Okay. तुम्हें समय पर आ जाना चाहिए था। You should have came here on time. Okay. तुम्हें पैसे कमाने चाहिए थे। You should have earned the money. Okay. Thank you, Asad. Thank you very much. And what's your name? My name is Manisha. Manisha. Okay. Manisha, in which class do you study? 12th. In 12th class. Yes. Okay. So what did I teach you last time? Keen to. Yes. Okay. Keen to. यहाँ आपने कंप्लीट कर लिया keen to? Yes, जो sir. मैंने आपको कल पढ़ाया था, इसका मतलब क्या होता है आप बताना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को? बेकरार होना, किसी चीज़ के लिए उत्सुक होना। उत्सुक होना। सो मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस पूछूंगा जो कि हिंदी में होंगे, विच यू हैव टू ट्रांसलेट। आर यू रेडी? यस सर। ओके, मैं पढ़ने के लिए इच्छुक हूँ। आई एम कीन टू स्टडी। मैं वहाँ जाने के लिए इच्छुक हूँ। आई एम कीन टू गो टू देयर। आई एम कीन टू गो देयर। गो देयर। वह शिमला जाने के लिए बेताब है। He is keen to go to Shimla. वह यहाँ रहने के लिए बेकरार है या इच्छुक है? He is keen to live. Live here. Live here. मैं यहाँ खेलने के लिए बेताब हूँ या बेकरार हूँ या इच्छुक हूँ? I am keen to play. I am keen to play here. I am keen to play here. मैं IAS बनने के लिए इच्छुक हूँ। I am keen to become an IAS. Okay, what's your name? Swati. Okay. What's your name? Swati. Okay, Swati, what did I teach you last time? You teach me last time present indefinite tense. मैं आपसे present indefinite पे कुछ sentences पूछूंगा जिसको आपको translate करना होगा, ठीक है। मैं school जाती हूँ। I go to school. आपको हेजिटेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, रिलैक्स। ओके, मैं स्कूल जाती हूँ। आई गो टू स्कूल। मैं उससे बात करती हूँ। आई टॉक टू हिम। मैं यहाँ आती हूँ। आई कम हेयर। मैं उससे बात करती हूँ। आई टॉक टू हर। ओके, मैं खाना बनाती हूँ। आई कुक। आई कुक द फूड। मैं रात में पढ़ती हूँ। I study at night. हाँ, मैं इंग्लिश बोलती हूँ। I spoke English. वह इंग्लिश बोलती है। She speaks English. वह भागती है। She runs. हाँ, वह मुझसे ज़्यादा बोलती है। She speaks more than me. Okay, मैं उससे बात नहीं करती हूँ। I do not talk to her. Okay, very good. Thank you. And what's your name? प्रतिमा। कैमरामैन आप जरा दिखाएंगे। व्हाट्स योर नेम? प्रतिमा। ओके, व्हाट डिड आई टीच यू लास्ट टाइम? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो हैव यू प्रिपेयर्ड? यस। ओके, वेरी गुड। मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग।
आई गेट अप एट 6 o'clock. आई गेट अप एट 6 o'clock. इन द मॉर्निंग बोल सकते हो कि मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ. आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग. ओके, मैं स्वाति से बात करती हूँ. स्वाति. आई टॉक टू स्वाति. स्वाति मेरे से बात करती है. आई टॉक मी टॉक. देखो आप नर्वस मत हो, ठीक है, रिलैक्स. स्वाति मुझसे बात करती है. स्वाति टॉक्स टू मी. ओके, आई टॉक टू स्वाति. स्वाति टॉक्स टू मी. ठीक है. स्वाति खाना बनाती है. स्वाति कुक फूड. स्वाति खाना नहीं बनाती है. स्वाति डज नॉट कुक फूड. कुक द फूड. मैं स्वाति से बात नहीं करती हूँ. I do not talk to Swati. ओके, वेल डन. ओके, हियर व्हाट्स योर नेम? कैमरा माय नेम इज आलिया. ओके, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज आलिया. आलिया, इन व्हिच क्लास डू यू स्टडी? आलिया, आई स्टडी इन 7th क्लास. इन 7th क्लास. ओके, वेल, सो हियर आई विल आस्क यू सम सेंटेंसेस. व्हाट डिड आई टीच यू यस्टरडे? गुड एट. गुड एट. ओके, सो उसकी हिंदी मेरे व्यूवर्स को आप बताना चाहेंगे कि एक्चुअल में उसकी हिंदी क्या होती है? अच्छा होना. अच्छा होना. मैं पढ़ने में अच्छी हूँ. आई एम गुड एट स्टडी. मैं खेलने में अच्छी हूँ. आई एम गुड एट प्ले. आई एम गुड एट प्लेइंग. आई एम गुड एट, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी. ठीक है. मैं खाना बनाने में अच्छी हूँ. आई एम गुड एट कुकिंग. वह बोलने में अच्छी है. शी इज गुड एट स्पीकिंग. वह दौड़ने में अच्छी है. शी इज गुड एट रनिंग. मेरे पापा पढ़ाने में अच्छे हैं. माई फादर इज गुड एट टीचिंग. मेरा भाई टीवी देखने में अच्छा है. माई ब्रदर इज गुड एट वॉचिंग टीवी. ओके, मैं खाना बनाने में अच्छी नहीं हूँ. आई एम नॉट गुड एट कुकिंग द फूड. मैं तैरने में अच्छी नहीं हूँ. आई एम नॉट गुड एट स्विमिंग. हाँ, तुम सवाल पूछने में बहुत अच्छे हो. यू आर गुड एट आस्किंग क्वेश्चंस. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. थैंक यू. व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज आशा. आशा, आर यू कंफर्टेबल हियर विद माय व्यूअर्स एंड माय सब्सक्राइबर्स? यस सर. एंड विद दिस क्लास? ओके, व्हाट डिड आई टीच यू यस्टरडे? ऑफ एंड ऑन. ऑफ एंड ऑन. ओके, ऑफ एंड ऑन. गाइस, मैंने इन्हें पढ़ाया था. आप बताना चाहेंगे कि ऑफ एंड ऑन की हिंदी क्या होती है? आए दिन. हाँ, आए दिन, है ना, ऐसा होता रहता है. वह आए दिन मुझसे लड़ती है. ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ सेंटेंसेस कि वह आए दिन मुझसे लड़ती है. She fight with me off and on. Off and on. मैं आए दिन मंदिर जाती हूँ. I go to temple off and on. मैं आए दिन फ़ोन चलाती हूँ. मैं आए दिन गेम खेलती हूँ. I play game off and on. ओके, मैं मेरी मम्मी आए दिन मुझे काम देती हैं. My mother gives me work off and on. हाँ, मेरी टीचर मुझे आए दिन डांटती हैं. My teacher scolds me off and on. Okay, very good. Thank you. Here. Okay, कैमरामैन यहाँ दिखाने चाहिए, यहाँ दिखाइए. Please, what's your name, बेटा? My name is Tanvi. 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 Okay, Tanvi. मैंने आपको क्या पढ़ाया था? Past continuous tense. Speak थोड़ा loud बोलो. Past continuous tense. Okay, past continuous tense. So आपने पढ़ लिया, prepare कर लिया. मैं खेल रही थी. I was playing. मैं नहीं खेल रही थी. I was not playing. क्या मैं खेल रही थी? Was I playing? तुम पढ़ रहे हो. You were reading. चलो, मैंने प्रेजेंट में पूछ लिया. तुम पढ़ रहे थे. You were reading. तुम नहीं पढ़ रहे थे. You were not reading. तुम स्कूल जा रहे थे. You were going to school. मैं सो रही थी. I was sleeping. मैं नहीं सो रही थी. I was not sleeping. तुम क्या कर रहे थे? What were you doing? Okay, very good, Tanvi. Yes. Okay, thank you, Tanvi. And what's your name?
My name is Priyansu Raj. Okay, Priyansu, in which class do you study, Priyansu? I am the student of BSc second year. BSc second year. Yes. Okay, here, as you know that I am conducting this session. So here I will ask you some translation. Okay. Which will be asked only in Hindi. And here you have to translate in English. Okay. Are you ready? Yeah. Okay. What did I teach you last time? Courage to. What is the Hindi of courage to? Courage to, himmat hai. Okay, himmat hona. Courage to, matlab himmat hona. Himmat hona. Okay, so, mujh mein ladne ki himmat nahi hai. I don't have courage to fight. Mujh mein padhne ki himmat hai. I have courage to study. Tum mein bolne ki himmat nahi hai. You don't have courage to speak. तुम्हारे अंदर पार्क जाने की हिम्मत नहीं है. You don't have courage to go park. उसके अंदर मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं है. He doesn't have fight with me. हाँ, तुम्हारे अंदर मुझसे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं. You don't have courage to ask questions to me. ओके, मुझ में हिम्मत है पढ़ने की. I have courage to study. ओके, मुझ में हिम्मत नहीं है फोन चलाने की. आई डोंट हैव करेज टू यूज फोन. ओके, वेरी गुड, थैंक यू.